अथाष्टा विंशो अध्याय। पार्वती द्वारा परमेश्वर शिव की महत्ता प्रतिपादित करना और रोष पूर्वक जटाधारी ब्राह्मण को फटकारना। शिव का पार्वती के समक्ष प्रकट होना। पार्वती उवाच। पार्वती जी बोली, मैं तो यही समझती थी कि यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु ब्रह्मचारी होने से तुम विशेष रूप से अवध्य हो। त्वयोक्तं विदितं देव तदलीकं जान्यथा यदि त्वयोदितं स्यात् निरोधं युच्यते त्वया। हे देव, आपने जो भी कहा है उसे मैंने जान लिया है। यह सब मिथ्या है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप शिव जी को जानते होते तो ऐसे विरुद्ध बातें नहीं करते। कदाचित् दृश्यते तत्र क्लेशधारी महेश्वरः स्वलीलया परब्रह्म स्वरागोपात्रविग्रहः ब्रह्मचारि स्वरूपेण प्रतारय महेश्वर जो इस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं, उसका यही कारण है कि वे लीला करने के लिए ही वैसा वेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं। शंकरस्य स्वरूपं तु जानामि सुविशेषतः शिव तत्व मतो वश्मि सुविचार्य यथातथा। शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ, इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तु तो निर्गुण ब्रह्म सगुण कारणेन सह कृतो जातिर्भवेत्तस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किस प्रकार से संभव है? सर्वासं विद्यानं माधिष्ठानं सदाशिवः किं तस्य विद्याकार्य गुणस्य परमात्मनः वेदा उक्ष्मस्वरूपेण पुरा दत्तश्वेष्णवे शम्भुना तेन कल्पाद तत्समः कोऽस्ति सुप्रभुः। वे सदाशिव सभी विद्याओं के अधिष्ठान हैं। वे पूर्ण परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन? कल्प के आदि में उन्हें सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उच्छ्वास स्वरूप से वेद प्रदान किए थे। उनके समान कौन परम प्रभु है? सर्वेषाम् अधिभूतस्य वयोमानं कुतस्ततः प्रकृतिस्तु ततो ज्ञाता किं चक्तिस्तस्य कारणम्। जो सबका आदि कारण है, उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है? यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है? ये भजन्ति च तं प्रीत्य शक्तिशं शंकरं सदा तस्मै शक्तित्रयं शंभो सददाति सदव्ययम्। जो लोग प्रेम पूर्वक शक्ति के पति उन सदाशिव का भजन करते हैं, उनको शिव जी सदा ही अक्षय रूप तीनों शक्तियाँ क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रदान करते हैं।
यस्यैव भजनाञ्जीव मृत्युं जायति निर्भयः तस्मान्मृत्युञ्जयं नाम प्रसिद्धं भुवनत्रये। जीव उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए त्रिलोकी में उसका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। तस्यैव पक्षपातेन विष्णुर्विष्णुतमाप्नुयात् ब्रह्मत्वं च तथा ब्रह्म देवदेवत्वमेव च। उन्हीं के पक्ष में रहने से विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व और देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। दर्शनार्थं शिवस्यादौ यथा गच्छति देवराट् भूतादयस्तत्परस्य द्वारपालः शिवशितम् दण्डश्च मुकुटं विद्धं नृशं भवति सर्वतः किं तस्य महापक्षेण स्वयमेव महाप्रभु। देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शनार्थ जाते हैं, तब भगवान शिव के जो द्वारपाल एवं भूत आदि हैं, सादर उनके दंडों में घिसा गया इंद्र का मुकुट सब प्रकार से उज्जवल हो उठता है। उनके विषय में बहुत बात करने से क्या, वे तो स्वयं प्रभु हैं। उन कल्याण स्वरूप शिव जी की सेवा करने से इन लोक में क्या नहीं सिद्ध हो जाता है, उन देव के पास किस बात की कमी है जो वे सदा शिव मेरी इच्छा करें। सप्त जन्म दरिद्र सत्सेवेत्यो यदि शंकरं तस्य तत्सेवनाल्लोके लक्ष्मी स्यादनुपायिनी। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उसकी सेवा से उसे श्लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए 8 सिद्धियाँ सदा नीचे की ओर मुख किए जिनके आगे सदा नृत्य करती हैं, उनसे हित होना कहाँ से दुर्लभ है। मंगलानीह सेवते शंकरस्य तथापि मंगलम तस्य स्मरणादेव जायते। यद्यपि समस्त मंगल उन शिव जी की सेवा नहीं करते अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते, तो भी उनके स्मरण मात्र से ही पुरुष का मंगल होता है। यस्य पूजा प्रभावेण कामः सिद्ध्यन्ति सर्वशः कोटो विकारस्तस्यास्ति निर्विकारस्य सर्वदा शिवेति मंगलं नाम मुखे यस्य निरन्तरं तस्यैव दर्शनादन्य पवित्रः सति सर्वदा। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन निर्विकार शंकर में विकार कहाँ से हो सकता है। जिनके मुख से शिव या मंगल नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं। हे ब्रह्मचारी, जैसा आपने कहा था कि चिता की भस्म अपवित्र होती है, तो देवगण उनके अंग में शोभित भस्म सिर पर नित्य क्यों धारण करते हैं। यो देवो जगतां कर्ता धर्ता हर्ता गुणान्विता निर्गुणः शिव संज्ञश्च सर्वज्ञ कथं भवेत् अगुणं ब्रह्मणो रूपं किमस्य परमात्मनः तत्कथं हि जानन्ति त्वादृशस्तत् बहिर्मुखम्। जो देव जगत का कर्ता भर्ता तथा हर्ता है, गुणों से संयुक्त है, निर्गुण तथा शिव है, उसे कोई किस प्रकार जान सकता है। ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा शिव जी का रूप सदा निर्गुण है, तथा आपके सदृश शिव द्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकते हैं। शिवस्य गुणरूपिणः
जो दुराचारी महापापी वेद एवं देवता से विमुख हैं, वे निर्गुण रूप वाले शिव के तत्व को नहीं जान सकते। शिव निंदा करोति तत्त्वमज्ञाय पुमान आजन्म संचितं पुण्य भस्मीभवति तस्य तत् त्वया निंदा कृता यात्र हरस्यामि तु तेजसा त्वत्पूजा च कृता यन्न तस्मात् पापं भजम्यहम्। शिव विदृषिणं दृष्ट्वा सचैलं स्थानमाचरे शिव विदृषिणं दृष्ट्वा प्रायश्चित्तं समाचरे। जो पुरुष तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है उसका जन्म पर्यंत संचित किया पुण्य भस्म हो जाता है। आपने इस समय जो महातेजस्वी शिव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है इसका पाप मुझे भी लग गया है। शिव जी की निंदा करने वाले को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। निश्चयेन न विज्ञातः शिव देव सनातनः यथा तथा भवेद् रुद्रो यथा वा बहुरूपवान् मम अभीष्टतमो नित्यं निर्विकारी सतम प्रियः। अरे दुष्ट, तुमने जो कहा है मैं शिव को जानता हूँ। तुम्हें निश्चित रूप से सनातन शिव जी का कुछ ज्ञान नहीं। वे रुद्र चाहे किसी भी रूप वाले हों, रूपवान हों या अरूपी हों, वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय है। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। फिर जो सर्वदा काल के अधीन अन्य देवता आदि हैं, वे किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं। इति बुद्ध्या समालोक्य स्वया सत्या सुतत्वतः शिवार्थं वनमागत्य करोमि विपुलं तपः। इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर मैं तो शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर घोर तपस्या कर रही हूँ। एव परमेशान परमेशो भक्तवत्सल संप्राप्तुं मे विनाशो हि दीनानुग्रह कारकम्। वे ही परमेश्वर सर्वेश एवं भक्तवत्सल हैं, दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन्हीं को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा उवाच। एतोक्ता गिरिजासा हि गिरीश्वर सुत मुने वीरराम शिवं दद्भ्यं निर्विकारेण चैतसा तदा कर्ण्य वचो देव्या ब्रह्मचारी सवैत्रिजः पुनर्वचन माख्यातुं यावदेव प्रचक्रमे। उवाच गिरिजातां स्वकीं विजयां धृतम् शिव सक्त मनोवृत्ति शिव निंदा परन्मुखी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार वे गिरिजा पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से पुनः शिव जी का ध्यान करने लगी। तदनंतर वे ब्राह्मण पार्वती के इस प्रकार के वचन का सुनकर पुनः जो ही कुछ कहने को उद्यत हुए उसी समय शिव जी में मन लगाए हुए और शिव जी की निंदा से परांगमुख रहने वाली पार्वती अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्रता पूर्वक कहने लगी। गिरिजा उवाच। वारणीयः प्रयत्नेन सत्यं हि द्विजधमः पुनर्वक्तुं मनश्चैव शिवनिन्दां करिष्यति न केवलं भवेत्पापं निन्दां कर्तुं शिवसि हि यो वै शृणोति तन्निन्दां पापभाक् स भवेदिह। पार्वती बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह द्विजाधम पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता अपितु जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव निंदा करो वध्य सर्वथा शिव किं करे ब्राह्मण चेत स्वेत्याच गंतव्यं तस्रात्रुतम्।
शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दें। यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से अन्यत्र चले जाना चाहिए। अयम दुष्ट पुनर्निंदा करिष्यति शिवसिहि ब्राह्मणत्वाद्वर्जस्य त्याजो दृश्यस्य सर्वथा। यह दुष्ट पुनः शिव जी की निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण वह अवध्य है, अतः इसका त्याग कर अन्यत्र चलना चाहिए, जहाँ जाने पर यह पुनः दिखाई न पड़े। अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे यह मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण न करना पड़े। ब्रह्मा उवाच। इत्युक्त्वा च मयायाम पादमुक्षिप्यते मुने असौ ताव शिवः साक्षात् नरं पिप्रया स्वयं कृत्वा स्वरूपं सुभागं शिवाधारम यथा तथा दर्शयित्वा शिवाय तं वचवान् मुखीं शिवः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इतना कहने के अनंतर जो ही पार्वती के अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिव जी ने पार्वती को पकड़ लिया। उस शिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी, उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः नीचे की ओर मुख की हुई पार्वती से वे शिव कहने लगे। शिव उवाच। शिव जी बोले, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। आज से मैं तुम्हारे तपों से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। तुमने अपने सौंदर्य से मुझे मोल लिया है, तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान है। त्यज्यतां च त्वया रच्च मम पत्नी सनातनी गिरिजे त्वं हि सत्पुत्र विचारय महेश्वरी मया परीक्षितासि त्वं महो शिवे। हे गिरिजे, तुम लज्जा का त्याग करो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की, तुम लोक लीला का अनुसरण करने वाले इस अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हारे जैसी पतिव्रता सती इस लोक में कहीं नहीं देखी। हे शिव, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। हे प्रिय, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो तथा मैं तुम्हारा वर हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतों में उत्तम अपने घर कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा उवाच। इत्युक्ते देवदेवेन पार्वती मधुमापुषा तपो जातं तु यत्कष्टं तच्चहो च पुरतनम् सर्वः श्रमो विनष्टो भूत् तज्ञस्तु मुनिसात्तमा फले जाते श्रमः पूर्वो जन्तुर्नाशम् वाप्नुयात्। ब्रह्मा जी बोले, देव देव शंकर के इस प्रकार कहने पर पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्व समय में तपस्या के कारण जो दुख हुआ था वह तत्क्षण ही दूर हो गया। हे मुनि सत्तम, पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है।
इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पार्वत्या शिव रूप दर्शनम नामाष्टा विंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती को शिव रूप दर्शन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।